हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कूल कंटेंट बॉक्स चैनल। दोस्तों, आज मैं आप सबको एक 50 पैसा कॉपर निकल डेफिनेटिव सिक्का दिखाने वाला हूँ। ये सिक्का वर्तमान रेयर कैटेगरी में आता है और ये सिक्का हमको आम चलन में आया। दोस्तों, मैं ज़्यादातर आप लोग मेरा वीडियोस देख रहे होंगे, 3 साल से मैं 300 से ज़्यादा वीडियोस किया हूं, पर सब में मैं आम चलन से जो हमको मिलता है ऐसे ही खास उसमें आया रेयर स्केयर एरर्स डेविलिटीज म्यूज दिखाते रहता हूँ, क्योंकि हर कलेक्टर आम चलन से कलेक्ट करने का संभावना जो रहता है वो ऐसा सिक्के में दिखाता रहता हूँ, क्योंकि ये न्यूमिस्मेटिक दुनिया में सिर्फ 20-25% लोग ही यूएनसी और प्रोसेट्स कलेक्ट करता है, बाकी 75% जो लोग हैं वो लोग आम चलन से सिक्का कलेक्ट करने की कोशिश करता है। इसलिए आम चलन में आया खास सिक्का क्या मैं बताने की कोशिश करता रहता हूँ हर वीडियो में। दोस्तों, इसके लिए आप मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, जस्ट हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलरली हमारा चैनल वीडियोस देखते रहिए, काफ़ी है, क्योंकि खास सिक्का हमारा हाथ में भी रहता है पर हमको मालूम नहीं होता। इसलिए मैं जानकारी देने के लिए और जानकारी देके सपोर्ट करने के लिए कलेक्टर्स को वीडियोस करता रहता हूं। हमारा चैनल किससे सिक्का और करेंसी नोट्स खरीदता नहीं, बेचता नहीं। अगर कोई हमारा चैनल कूल कंटेंट बॉक्स के नाम से आप लोगों से किसी माध्यम से भी कांटेक्ट करके आप लोगों से आपका पर्सनल जानकारी या फिर आपका पैसा पूछा तो बिल्कुल मत दीजिएगा। इतना कहने पर भी ना सुन के देने से आप ही जिम्मेदार है, याद रखिए दोस्तों। ये 50 पैसा कॉपर निकल सिक्का हमको एक जमाने में हमको जारी किया गया, हम सबके पास रहता है। ये सिक्का सिर्फ मैं नमूना के लिए दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये सीरीज का सिक्का हमको भारत में 1984 से 1990 तक हमको अलग अलग साल में अलग अलग मिंट से, भारत से और विदेशी मिंट से भी हमको ये 50 पैसा सीरीज का सिक्का हमको मिंट किया गया। ये सिक्का का स्पेसिफिकेशन हम देखा तो कॉपर निकल मेटल में जारी किया गया, 5 ग्राम वजन और ये सिक्का हमको 24 मिलीमीटर का साइज में रहता है डायमीटर और मैक्सिमम ईयर्स में हमको मिलडेट से आया। दोस्तों, ये सीरीज 50 पैसा सिक्काओं में हमको 3 सिक्का हमको रेयर कैटेगरी में आता है। वर्तमान ये 3 सिक्काओं का अवेलेबिलिटी बहुत कम हो गया और दोस्तों रेयर सिक्काओं का वैल्यू एस्टिमेट हमेशा वो सिक्का का कंडीशन पे और वो सिक्का का मिंट पे और सिक्काओं का मिंटेज वैल्यू मतलब कितना संख्या में वो सिक्का हमको मिंट किया गया वो संख्या पे और सिक्का का डिमांड पे हमको ये मार्केट एस्टिमेट वैल्यूज डिपेंड करता रहता है। मैं सिक्का रिवर्स किया हूँ, इस पर हम देख सकते हैं 1989 में हमको हैदराबाद मिंट से जारी किया गया 50 पैसे में दिखा रहा हूँ। ये सिक्का वर्तमान एक रेयर कैटेगरी सिक्का है, देख सकता है। ये सिक्का का वैल्यू एस्टिमेट अगर आपके पास ये सिक्का यूएनसी कंडीशन में है तो ये सिक्का का वैल्यू एस्टिमेट 4000 पहुंच गया। दोस्तों, जैसा मैं दिखा रहा हूँ मेरा कलेक्शन में जैसा है, मतलब मैंने कलेक्ट किया वेरी फाइन कंडीशन का, वेरी फाइन प्लस कंडीशन का, और ऐसा हाल में रहने से भी आपका सिक्का का वैल्यू एस्टिमेट 1200 से 1400 रुपये तक रहता है, क्योंकि वर्तमान ये सिक्काओं का अवेलेबिलिटी बहुत कम हो गया, इसलिए हमको इसका वैल्यू एस्टिमेट बढ़ते जा रहा है, आगे भी और भी बढ़ जाएगा। दोस्तों, ऐसा सिक्का आपके पास कुछ भी कंडीशन में रहने से भी ये सिक्का का डिमांड रहता है, क्योंकि ये सारा सिक्का बहुत कम मिलता है इसलिए हमको डिमांड ज़्यादा रहता है दोस्तों ये सिक्काओं का। और दोस्तों, ये वीडियो का जानकारी कैसा लगा मुझे बताइए कमेंट करके, और आपका मित्र है तो उनको भी ये वीडियो की जानकारी शेयर कीजिए, और हमारा चैनल पसंद आया तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा के जाइए। धन्यवाद।